हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही शानदार ब्यूटी टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम लोगों के लिए बहुत 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 हेल्पफुल है। पर्सनली मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ये टिप्स बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ न्यूटी ग्लो की पापाया फेशियल किट, जो मैं पर्सनली 6 महीना से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड नंबर बॉक्स चल रहा है और मुझे ये पहली वॉश में ही रिजल्ट मिल गया। मुझे मेरा स्किन पहले से बहुत ग्लो हो गया है और ये मेरा सेकंड नंबर बॉक्स चल रहा है, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो आप लोग ज़रूर यूज़ करना इसे। मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेस किया है 399 रुपये में। तो आप फ्लिपकार्ट अमेजोन कहीं से भी खरीद सकते हो ये। तो मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे यूज़ करना है। तो मैं ये आप अगर आप रोज हफ्ते में एक बार कर सकते हो बेटर रिजल्ट पाने के लिए, यानी महीने में 4 बार आप अगर बेटर रिजल्ट पाना चाहते हो, जल्दी जल्दी रिजल्ट पाना चाहते हो तो, और नहीं तो महीने में 2 बार कर सकते हो। और गाइस, मैं आप लोगों को पर्सनली बोल रही हूँ कि आप ये न्यूटी ग्लो की जो पपाया फेशियल किट है वो बहुत ही अच्छा है। मैं ये बोल रही हूँ ये यूज़ करने के लिए, और मैंने इससे पहले भी न्यूटी ग्लो की 1 फेशियल किट की रिव्यू किया था, जो वो भी बहुत ही अच्छा है। और मुझे इस दोनों में वाइन और पपाया में से पपाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा स्पेशली, या ये मुझे बहुत ही सूट भी करता है। तो ऐसे ऑयली स्किन, ड्राई स्किन कोई भी यूज़ कर सकते हैं ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ ये कैसे यूज़ करना है, तो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है पापाया फूड स्पेशल किट की ये बॉक्स। इसमें 6 स्टेप रहता है। स्टेप 1 है क्लींजर, स्टेप 2 है स्क्रब, स्टेप 3 है जेल, स्टेप 4 है क्रीम और स्टेप 5 है फेस पैक, एंड लास्टली है स्टेप 6 सीरम। तो हम अभी स्टेप 1 अप्लाई कर रहे हैं, जो है क्लींजर। इसको सर्कुलर मोशन में 2 से 3 मिनट तक अपने पूरे फेस पे अच्छी से मसाज करना है, और अपने फोरहेड पे, चिन पे, नोज़ पे अच्छी से अप्लाई करना है, और आधे है सर्कुलर मोशन में, और अपने नेक एरिया पे अप्लाई करना मत भूलें। अभी हमारी 2 से 3 मिनट हो गए हैं और हम अपने फेस को नॉर्मल पानी से धो लेंगे। और आप मैंने यहाँ पे धो लिया। अभी स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, जो कि स्क्रब। ये भी आपको सर्कुलर मोशन में 5 से 8 मिनट तक मसाज करना है सर्कुलर मोशन में। याद रहे, अपने नेक एरिया पे अप्लाई करना मत भूलिए। नेक अपने बहुत ही बेस्ट मोस्ट पार्ट होता है। अच्छी से अप्लाई कीजिए 5 से 8 मिनट तक सर्कुलर मोशन में। और मेरा हो गया है 5 से 8 मिनट। अब हम नॉर्मल पानी से अपनी फेस को वॉश कर लेंगे। अभी हम अप्लाई करेंगे स्टेप 3, जो कि है जेल। इसको 8 से 10 मिनट तक सर्कुलर मोशन में हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अच्छी से अप्लाई करना। तो मेरा 8 से 10 मिनट हो गया है। मैं अभी फेस को नॉर्मल वाटर की मदद से धो लूंगी। अच्छी से अप्लाई करना ताकि अच्छी से रिजल्ट पा सके, इंग्रेडिएंट अच्छी से ऐड हो सके। अभी है स्टेप 4। स्टेप 4 है क्रीम। ये स्किन की ग्लो की मदद करता है, स्किन ग्लो करता है। स्किन की सेल जो रहता है इसमें जाके स्किन सेल को ग्लो बना देता है, ब्राइट करता है स्किन को। इसको अभी आप 12 से 15 मिनट तक सर्कुलर मोशन में अपने मसाज कीजिए, जब तक ये आपके पूरे स्किन पे अच्छी से एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो देख सकते हो मेरे स्किन पे एब्जॉर्ब हो गई है अच्छी से। अभी हम स्किन को नहीं धोएंगे और स्टेप 5 यानी फेस पैक जो है वो अप्लाई कर लेंगे। अभी ये फेस पैक को आपके फेस में 15 से 20 मिनट, लगभग 20 मिनट तक पूरे सुखाने के लिए छोड़ देंगे। अब देख सकते हो मेरा सूख गया है, अभी धो लेंगे। मैं धोने के बाद लास्ट स्टेप, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, हम लोगों को सीरम यूज़ करना है। ये सीरम बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। हम 2 से 3 ड्रॉप सीरम यूज़ कर लेंगे अपने फेस पे। तो कैसा लगा
मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोग भी ज़रूर यूज़ करना ये। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो मेरी ये वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग कमेंट करके आप लोग का रिजल्ट भी शेयर कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने यहाँ पे डाल रही हूँ, वहाँ पे भी बोल सकते हो आपका रिजल्ट कैसा है। और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।